हेलो जी, आप सभी को सुबह की राम राम। तो अभी हुए हैं 7:15 और मैं अभी उठी, मुंह हाथ धोया, धूप जलाया, फ्रेश हुई और फिर बना रही हूँ यहाँ पे परांठे, आलू के परांठे। ये देखो, ये हमारा चूल्हा, हम इस पे ही खाना बनाते हैं। और यहाँ मैंने आटा गूंथ दिया है और यहाँ आलू भी मैश कर दिए हैं। ये देखिए, आलू भी तैयार कर दिए हैं। तो अब मैं इसको बनाती हूँ, तो दिखाती हूँ मैं कैसे बनते हैं आलू के परांठे। ऐसे करना है, ये देखिए ऐसे, और फिर इसमें ये भरना है। इसमें सारा मसाला मिक्स कर दिया है आलू में, और फिर इसको ऐसे भरेंगे हम, देखिए। और फिर इस तरह से इसको बंद करेंगे। और ये बंद कर दिया, और फिर इसको ऐसे करेंगे, और फिर दोबारा से इसको ऐसे आयरी करेंगे। पहाड़ी भाषा में इसे आयरी बोलते हैं। ऐसे करेंगे, और फिर इसको ऐसे बेलन सकने पे ऐसे बनाएंगे गोल गोल, इस तरह से बनाएंगे। चूल्हे पे डाल भी दिया है, ये देखिए इस तरह से। और इस पे तेल डालेंगे, ये देखिए। इस तरह से फिर हम उतने में दूसरा करेंगे, इस तरह से। जितने में ये तैयार होता है उतने में दूसरे की तैयारी करते हैं। इसको भी इस तरह से करेंगे, और फिर इसमें इसको मिक्स करके इसमें मिला देंगे, ये जो हमने तैयार कर रखा है बेसन, इसका इसमें तैयार करेंगे। इस तरह से हमने लगा दिया है इसको, ये देखिए। और फिर इसको बंद करेंगे इसी तरह से, जैसे इसको भी बंद किया था, इस तरह से। अब इसको हम दूसरी साइड करेंगे। आटा लगाएंगे इसमें सूखा आटा, और फिर इस तरह से और घुमाएंगे इसको, आयरी करेंगे इसकी, और फिर इसको और बेलन पे तैयार करेंगे। अब इसको पकने देते हैं, अभी ये पका नहीं है। लकड़ियाँ लगानी पड़ती है, आजकल लकड़ियाँ भी बहुत कम हो गई है, जंगलों से लकड़ियाँ भी नहीं काटी जाती, बहुत मुश्किल हो गया है आजकल। फिर भी छोटी मोटी लकड़ियाँ कर ही देते हैं। ये हमारा चूल्हा है, इस पे ही हमारा सारा खाना बनता है। आजकल लोगों ने चूल्हे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन हमारा खाना तो चूल्हे पे ही बनता है। देखिए, दूसरा भी तैयार कर दिया है मैंने।
देखिए इस तरह से। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।